विद्यार्थियों को चाहिए कि अपनी याद शक्ति बढ़िया करने के लिए, परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास होने के लिए कुछ उपाय सुन लें, उनको याद रखें, आपकी याद शक्ति बढ़िया होगी, अच्छे नंबरों से पास होंगे। सबसे पहला उपाय कि रात को पूर्व दिशा की तरफ सिर करके ही सोया करें विद्यार्थी, विद्या प्राप्ति में निश्चित रूप से सफल होगे। पढ़ते समय घर पे होमवर्क करो, कुछ लिखो पढ़ो, घर पे भी पढ़ते ना बच्चे, तो ईशान कोण की तरफ मुंह करके पढ़ो। पूर्व और उत्तर के बीच का कोना ईशान कोण कहलाता है, उधर मुंह करके बच्चे पढ़े, पढ़ा हुआ जल्दी याद रह जाएगा। परीक्षा देने गए हो तो पेपर देते समय कई बच्चे घबरा जाते हैं और बेचारे मानसिक संतुलन खो बैठते हैं, घर से जो पढ़ाई करके आए भूल जाते हैं घबराहट के कारण, पेपर अच्छा नहीं जाता, फिर रोते हैं हमारा पेपर अच्छा नहीं गया। नहीं, पेपर देते समय घबराए नहीं, जीभ को ऊपर तालू में लगा दें तो दायां मस्तक और बायां मस्तक मानसिक संतुलन बढ़िया बना रहेगा, घबराहट नहीं होगी, पेपर अच्छा जाएगा, रिजल्ट अच्छा आएगा। पर कई घबरा जाते हैं। एक शिक्षक ने लड़के को पूछा, बंटी तुमको भूगोल का कुछ नहीं आता, विज्ञान का भी कुछ नहीं आता, गणित का कुछ नहीं आता, तुमको अंग्रेजी का भी कुछ नहीं आता, आखिर तुमको आता क्या है? तो लड़का बोला कि साहब इन सब का नाम सुनकर पसीना आता है, मतलब घबरा जाता है वो। तो घबराहट जो है ना वो मानव धर्म के विपरीत है। कई बड़े लोग भी व्यापार में थोड़ा घाटा हुआ घबरा जाएंगे, सिर पे थोड़ा कर्जा हो गया घबरा जाएंगे। अरे है तो है, घबराने की क्या जरूरत है? हर मंगलवार को नमक बिना का भोजन करें और अपना काम धंधा जो मेहनत करते हैं करते रहें, कर्जा अपने आप जल्दी उतर जाएगा। आलसी बनकर बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। पर मंगलवार, मंगल देव जो है वो ऋण हर्ता देव माने जाते हैं, ये बिल्कुल शास्त्रोक्त बात है, मंगल देव ऋण हर्ता देव है।